डीजीपी एसके सिंघल का बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो 2 महीने में रिटायर कर जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप ही बताइए कि राज्य का चीफ जस्टिस 1 दर्जन बार फोन कर रहा है और आपने 1 बार भी वेरीफाई नहीं किया कि ये फर्जी फोन है या वास्तव में चीफ जस्टिस फोन कर रहे हैं। क्या कोई चीफ जस्टिस अपने मोबाइल से एसपी के लिए फोन करता है डीजीपी को, वो भी 1 बार नहीं 1 दर्जन बार, और आपने उसी फर्जी कॉल के आधार पर आदित्य कुमार जो गया के एसपी थे, जो शराब के मामले में जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ, उनकी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करवा दिया, जो उस केस का आईओ था उसको चेन्नई से बुलाकर और एकदम अर्जेंसी के साथ उसको दोषमुक्त कर दिया गया। तो आखिर आदित्य कुमार को क्यों दोषमुक्त किया गया? बिहार में शराबबंदी के मामले में 4 लाख से ज़्यादा लोगों को आपने जेल भेजा और एक एसपी पर जब आरोप लगा तो उसको दोषमुक्त कर दिया गया, और फिर इसी डीजीपी ने आदित्य कुमार के जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग थी उसको ख़त्म करने के लिए संचिका पर लिखा, पूर्णिया में पोस्टिंग के लिए लिखा। तो आखिर आदित्य कुमार से डीजीपी का क्या संबंध था, और फिर ऐसी स्थिति में क्या आर्थिक अनुसंधान विभाग डीजीपी के जांच कर पाएगा जब राज्य का डीजीपी संदेह के घेरे में, जबकि ईओयू डीजीपी के अंतर्गत आता है। इसलिए हमारी मांग है कि बिहार के डीजीपी संदेह के घेरे में उनको बचाइए नहीं, या तो सीबीआई से या किसी और निष्पक्ष एजेंसी से इस पूरे मामले की जल्द से जल्द जाँच कराना चाहिए।